log of log x दिया गया है, इसका double derivative निकालना है, अभी 2y by dx square या y2 कह लीजिए, ठीक है, या f double dash x कह लीजिए, जो भी कहिए, ठीक है, say that is equation number 1, लिखेंगे यहाँ पे differentiating with respect to x, जो x के respect में differentiate करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d by dx of y that is equals to d by dx of log x, ठीक है, ये function of function है, यहाँ पे x की वैल्यू प्लेस करेंगे तो ये लॉग ऑपरेट होगा और इस लॉग के बाद जो वैल्यू आएगी ये लॉग ऑपरेट करेगा तो ये सीक्वेंस हो गया फंक्शन ऑफ फंक्शन का सबसे आउटर फंक्शन लॉग हो गया तो सबसे पहले ये डिफरेंशिएट होगा तो क्या होने वाला है 1 अपॉन और इस लॉग के अंदर जो भी है तो लॉग एक्स खुद का है तो लॉग एक्स लिख दिए ठीक है फिर ये सेकेंड नंबर पर डिफरेंशिएट होगा तो ये क्या हो जाएगा लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाई इसके अंदर जो भी हो लिख दिया एक्स हो गया तो दैट इज योर डिवाइड बाई dx ठीक है तो डिवाइड बाय dx आ गया आपका 1 बाई x log x आ गया ठीक ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है आपके आपको निकालना क्या है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है मतलब d2y by dx स्क्वायर तो अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा d by dx of dy by dx That is equals to d by dx of 1 upon x log x. ठीक है यहां पे आप क्या लगा दोगे डिविजन रूल डिविजन रूल होता क्या है दैट इंप्लाइज डिविजन रूल होता है आपका इधर क्या हो जाएगा डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर जो आपकी एल एच एस थी ठीक है ये डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया या इसको कुछ लोग y2 भी लिखते हैं खैर ये क्या हो जाएगा सेकेंड का होल स्क्वायर ये आपका न्यूमरेटर फर्स्ट हो गया और डिनोमिनेटर सेकेंड हो गया तो क्या लिखते हैं सेकेंड का होल स्क्वायर तो x log x का होल स्क्वायर फिर x log x सेकेंड और d by dx ऑफ फर्स्ट फर्स्ट क्या था आपका 1 एक कांस्टेंट नंबर है इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा माइनस 1 मतलब फर्स्ट और d by dx of x log x ठीक है यहाँ पे क्या हो गया 1 का 0 हो जाएगा 0 से ये पूरा 0 हो जाएगा ठीक है तो नेक्स्ट करना क्या है आपको यहाँ पे फिर से दो फंक्शन आ गए है ना u मान लीजिए और ये v मान लीजिए या फर्स्ट सेकेंड मान लीजिए जो भी सोचिए आप ठीक है जैसा भी पढ़े हैं तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा यहाँ पे फर्स्ट डिवाइड dx ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिवाइड dx ऑफ फर्स्ट ये तो 0 हो गया इसकी वजह से ये 0 हुआ या मल्टीप्लाई करके 0 कर दिया तो 0 माइनस क्या हो गया फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स और प्लस लॉग एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो गया होल अपॉन कितना आ गया आपका एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपका लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स हो जाएगा ठीक है तो माइनस ब्रैकेट में एक्स इंटू 1 बाई एक्स प्लस log x और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है ना 1 इनटू भी करें कोई फर्क पड़ेगा नहीं नीचे हो जाएगा आपका x log x का होल स्क्वायर ठीक है अब देखिए x x कट गया क्या हो जाएगा आपका यहां से मिटा दे रहे हैं ना आप नेक्स्ट स्टेप पे लिख दीजिएगा तो ये हो गया 1 और ये 1 हटा दे रहे हैं तो ऊपर क्या हो गया आपका 1 plus log x और नीचे हो गया x plus सॉरी एक्स इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर यही आपका वाई टू है या डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर या यूं कहिए ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है दैट इज योर आंसर